सब बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमात्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतःपरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार पूरा प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इस्कॉन का नाम प्रसिद्ध है कम से कम भारत के शिक्षित वर्ग में। इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये कृष्ण भावना अथवा कृष्ण भक्ति वैदिक संस्कृति के सर्वोच्च लक्ष्य है। हम के एम मुंशी संस्कृति भवन में है, वो लेख है ऊपर में। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति है वो आचरण, वो भावना जो शुद्ध परिशुद्ध है, जो वैदिक प्रथा के अनुसार है। तो उत्तम संस्कृति और सभी संस्कृति का आधार है ज्ञान, और कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य लक्ष्य है पूरी पृथ्वी के लोग, और केवल मानव समाज के लिए नहीं है, सब जीव जाति के लिए कल्याण करना। वैदिक ज्ञान और संस्कृति प्रचार करने से, वैदिक ज्ञान शब्द सुन से शायद हम थोड़ा संकोच लगेंगे, क्योंकि वैदिक ज्ञान विशाल है, बहुत गहरा है। परंतु वास्तव में वैदिक ज्ञान समझना कठिन नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ विशेषकर भारतीय लोग जिनकी मूल संस्कृति वैदिक संस्कृति है, बॉलीवुड की संस्कृति नहीं है, आपकी मूल संस्कृति है ये वैदिक संस्कृति,
और वैदिक संस्कृति का सारांश क्या है? कृष्ण भक्ति। जैसे श्रीमद् भागवत गीता जो वैदिक ज्ञान का सारांश है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वैदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, अर्थात वेद शास्त्र में मैं वेद्य हूँ। वेद शब्द का अर्थ विद्या है, और वेद शास्त्र में अलग अलग प्रकार की विद्याओं है, जैसे अर्थशास्त्र, धनुर्वेद कैसे युद्ध करना, अर्थशास्त्र में केवल पैसा कमाना की बात नहीं है, तो कैसे पूरी समाज आयोजित होते जिससे सब लोग तो यथेष्ट काफ़ी प्रयोजनीय वस्तुएं मिलेंगे, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि। तो अर्थशास्त्र है, और नाट्य शास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है, वो मानविक जीवन का एक अंश भी है। तो अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, आयुर्वेद भी है, चिकित्सा का ज्ञान, और वैदिक शास्त्रों के सब विभागों में सर्वोच्च है उपनिषदों, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, और सब उपनिषदों का सारांश है गीतोपनिषद में, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं वैदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, अर्थात तो सभी वेद शास्त्रों में मुख्य जनक का विषय है श्री कृष्ण। ऐसा होता है क्यों? तो इसलिए इस बात समझने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान का थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। पहले समझना चाहिए हम कौन है, भगवान कौन है। भगवद गीता वैदिक ज्ञान का सारांश है, और भी साहित्यिक रूप से या दर्शन और भी कठिन दार्शनिक ढंग से ब्रह्म सूत्रों वैदिक शास्त्र का सारांश। तो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र या पहला प्रस्ताव है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हमें ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए। ब्रह्म का मतलब अध्यात्म, ब्रह्म का मतलब जो सब विषय सब वस्तुओं के मूलाधार, ब्रह्म का मतलब परम वस्तु अथवा भगवान, और ब्रह्म का मतलब आत्मा। तो ब्रह्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और इस मानव जन्म प्राप्त करके हमारा मुख्य कर्तव्य है वो ब्रह्म जो परम सत्य है उसके बारे में पूछना, अनुसंधान करना। क्यों? क्योंकि हम इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया बहुत 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 लगभग असंख्य जन्मों के पश्चात शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में सभी प्रकार का ज्ञान है। एक प्रकार है कि
इस भौतिक संसार में 84 लाख प्रकार के जीव जाति है, जिसमें 4 लाख है मनुष्यों के। परंतु मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। बहुत 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 जन्मों के पश्चात हम इस अवसर मिलते हैं मानव जन्म प्राप्त करना। और मानव जन्म विशेष है, क्योंकि केवल मानव जीवन में हम काफ़ी बुद्धि मिलते हैं, जिससे हम इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्यों हम सदैव सुख अनुभव करना चाहते हैं। परंतु वास्तव में जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, इतना सा हम दुख मिलते। और यदि हम धन संपत्ति में रहेंगे अथवा दरिद्रता में, हम सब अंत में, इस जीवन का अंत में मृत्यु प्राप्त करेंगे। तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के मुख्य दुख है संसार में, जो किसी भी प्राणी उनसे मुक्त नहीं हो सकते जब तक इस भौतिक संसार में रहेगा। और वो 4 प्रकार क्या है आप सब जानते हैं, आशा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से पीड़ित है। आप सब हिंदू है, शिक्षित हिंदू, इसलिए आशा है यही बात आपके लिए नया नहीं है, आप सब इसके पहले सुने हैं, नहीं हाथ उठाए जो इसके पहले सुने हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रकार के मुख्य दुख है, तो सब जानते हैं या सुनना है। परंतु हम कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से बच सकते हैं, हम वो प्रयास नहीं करते। तो इसलिए इस मानव जन्म प्राप्त करके भी, जिसमें अवसर है, ये 4 प्रकार वास्तव में असंख्य प्रकार के दुखों से बचाने का अवसर है मानव जन्म में। परंतु अधिकांश व्यक्ति जन्म लेते हैं और बड़ा होते हैं और धीरे धीरे वृद्ध होते हैं, फिर मृत्यु प्राप्त होते हैं, और गंभीरत्व से कभी भी नहीं पूछते मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अंतिम गति क्या होगी। और जो पूछते, जो इसके बारे में सोचते कि मैं थोड़ा पुण्य कर्म करूँगा, नर्मदा में स्नान करूँगा, ब्राह्मणों को दान दूँगा, गौ रक्षा के लिए कुछ दान दूँगा, तो इस प्रकार मैं स्वर्ग जाऊँगा। तो स्वर्ग जाना वो भी परम गति नहीं है, क्योंकि चैतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणै पुण्यै मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि लोग जो पुण्य कर्मी है जरूर स्वर्ग जाते हैं, परंतु कुछ समय वहाँ रहने के बाद तो यहाँ इस पृथ्वी में आते हैं, और इस प्रकार और भी पुण्य कर्म करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, वापस आते हैं यहाँ, ऊपर नीच इस प्रकार गतागति करते हैं, परंतु कभी भी सुख नहीं मिलते, क्योंकि इस भौतिक संसार, पूरा भौतिक संसार, स्वर्ग भी दुखमय है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि
इस पूरा भौतिक संसार दुखालय है। तो यही सब बात सोचना चाहिए मनुष्य जन्म में। और इस कृष्ण भावनामृत संघ का एक मुख्य उद्देश्य है लोग को जागृत करना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उपनिषद वाक्य है कि जागो उठो, सोच लो कि इस मानव जन्म में बड़ा अवसर है सभी प्रकार के समस्याओं से पूरा मुक्त होना। तो इस ज्ञान, इस संस्कृति का पुनरुत्थान करना इस कौन का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य साधित करते हैं विशेषकर भगवद गीता का प्रचार करने से और हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करने से। तो कुछ लोग का विचार है कि भगवद गीता केवल ज्ञान के लिए है और हरे कृष्ण मंत्र वो भक्ति है, और ज्ञान और भक्ति दो मार्ग है, पूरा पृथक है। तो सच है कि गीता ज्ञान शास्त्र है। शास्त्र क्या है? हमको ज्ञान प्रदान करने के लिए। परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ, वैदैश्य सर्वैर अहमेव वेद्यः। वेद विद्या का उत्तम लक्ष्य है श्री कृष्ण स्वयं। और कैसे भगवान कृष्ण को जानना है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझको अच्छी तरह जाना है। तो कैसे भक्ति से हम कृष्ण और कृष्ण तत्व समझ सकते हैं? तो किसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है। तो भगवद गीता कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में उसका कथन नहीं था। एक युद्ध भूमि में गीता वाणी भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए। तो ये ज्ञान जो भगवद गीता में है वो व्यवहारिक है, वो खाली PhD प्राप्त करने के लिए उस प्रकार का ज्ञान नहीं है। ये पूरा व्यवहारिक है, क्योंकि अर्जुन तो पूरा शोकग्रस्त था। तो उस स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को सभी वेद शास्त्र का सारांश बताए व्यवहारिक रूप में, क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय थे और उस समय मतलब अर्जुन तो पंडित ब्राह्मण नहीं थे। तो और अर्जुन उनका व्यवहारिक समस्या का समाधान चाहते थे। तो उसी स्थिति में और समय कम भी था क्योंकि युद्ध होने वाला था। तो उस स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरा वैदिक ज्ञान संक्षिप्त रूप में बताए और अर्जुन को व्यवहारिक समाधान दिए थे उनका शोक हटाने के लिए। तो वो ज्ञान क्या है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए? वो आध्यात्मिक ज्ञान। तो पहले समझना चाहिए कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, अर्थात हम सनातन है। इस जन्म के पहले मैं था, मृत्यु अवश्य ही होगा, उसके बाद मैं रहूंगा, अर्थात इस शरीर में नहीं हूं। आधुनिक
वैज्ञानिक विचार से इस शरीर में कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इत्यादि केमिकल्स है, परंतु मैं और आप केमिकल्स नहीं है, हम आत्मा है और इसलिए शरीर में जीवन है। आत्मा का दूसरा नाम है जीव, जिसमें जीवन है जीव है। और जब जीव एक शरीर से निकल जाते हैं उसको मृत्यु बोलते हैं। इसलिए दुनिया के सभी भाषाओं में एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद लोग बोलते हैं वो चले गया, इंग्लिश में ही इज गॉन अवे, अलग अलग भाषाओं में बोलते चले गया। तो कौन गया, कहाँ गया, कौन गया, वो शव जो है तो 5 मिनट के पहले तो जीवित व्यक्ति था और अभी वो शव है, तो क्या फर्क है? तो सब केमिकल्स जो 5 मिनट पहले, सभी केमिकल्स एक ही केमिकल्स है। तो पहले और अभी वो दोनों स्थिति में क्या अंतर है? अंतर है कि चले गया, कौन गया, जीव, जीवात्मा। तो इस सरल विचार से एक बच्चा भी समझ सकते हैं कि हम ईश्वर नहीं है, हम जीव आत्मा है। और जब तक जीव आत्मा शरीर के साथ युक्त है तब तक वो व्यक्ति है। और उस क्षण जिसमें जीव शरीर को त्याग करते है वो हम बोलते हैं मृत्यु, चले गया। तो इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि जीव और शरीर अलग है। परंतु माया का मोह से हम आत्म परिचय करते हैं शरीर के साथ। और इसलिए यदि कोई हमसे पूछते तो तुम कौन हो, तो हम हमारा नाम देंगे, मेरा नाम है संजीव गुप्ता, मैं अंकलेश्वर रहने वाला हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो ये सब भौतिक उपाधि है। वो संजीव गुप्ता इस शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। और उस शरीर का मृत्यु के बाद वो संजीव गुप्ता तो नहीं रहेगा, लेकिन वो आत्मा रहेगा। वो परिचय तो नहीं रहेगा, वो आत्मा जो एक शरीर में था और संजीव गुप्ता के नाम में चलता था, वो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। तो ये सब समझना कठिन नहीं है, परंतु हम नहीं समझते क्योंकि हम माया से मोहित है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तयापहृत चेतसाम, क्योंकि हम भूल धारणा से विचार करते हैं कि भोग इंद्रिय सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करने से मैं सुखी होऊंगा। इसलिए हमारी शुद्ध चेतना, आध्यात्मिक चेतना खो गया है, आच्छादित हो गया है। और मुँह से कि मैं आत्मा हूँ, इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, मुँह से बोल के भी हम हमारा अपना जीवन यही सब आध्यात्मिक विचार के ऊपर नहीं बनाते। हम मूर्खों के विचार के ऊपर बना, मूर्ख कौन है, लगभग सब लोग इस भौतिक संसार में मूर्ख है, क्योंकि मानव जन्म प्राप्त करके भी तो पशुओं जैसे केवल इंद्रिय सुख के लिए लोग प्रयास करते। तो इस कौन संस्थ का मुख्य उद्देश्य है, सब दुनिया
कि जीव विशेषकर जो मानव जन्म प्राप्त किया, सब मानव समाज को बताना कि आप जीव है, आप सनातन है, आप सनातन स्थिति सच्चित आनंदमय है, अर्थात सनातन ज्ञानमय आनंदमय। परंतु इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, भगवद गीता का ज्ञान के बिना हम पार्शविक जैसे जीवन बीतते हैं, और उसका कारण से मृत्यु के बाद हम इस दुर्लभ मानव जन्म नष्ट करने का कारण से हम फिर एक पशु के योनि में प्रवेश करेंगे। तो ये ज्ञान वैदिक ज्ञान है, और इस वैदिक ज्ञान के साथ वैदिक संस्कृति है, जो कुछ लोग बोलते हैं भारतीय संस्कृति। वास्तव में शुद्ध ज्ञान शुद्ध संस्कृति भारतीय नहीं है, अभारतीय नहीं है, सबके लिए है। परंतु सच है कि इस ज्ञान विशेषकर इस धन्य भारत देश में अनादि काल से प्रचारित था, और सब महान अवतार राम, बुद्ध देव, भगवान कृष्णा इस भारत वर्ष में प्रकट हुए, मानव समाज को विशेषकर इस देश के लोग को परम हित साधित करने के लिए। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है मूल भारतीय संस्कृति का पुनर्स्थापन करना पूरी दुनिया में, और विशेषकर इस देश में पुनर्स्थापित होने चाहिए। क्योंकि आप जो इस जीवन में भारत में मानव रूप में जन्म लिए हैं, आपके लिए इस शुद्ध वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना सहज है, क्योंकि यही संस्कृति आपकी है। दुर्भाग्यता से आजकल अधिकांश भारतीय व्यक्ति तो अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। कृष्ण जो आपके परम हित के लिए भगवद गीता में सब कुछ जो बोलते हैं, उसके बारे में बहुत कम भारतीय लोग का ज्ञान है, और बहुत ज़्यादा भारतीय लोग का ज्ञान है बॉलीवुड के बारे में, क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जिसका अर्थ है, जिसका दाम है जिफर, कुछ नहीं है। मृत्यु का समय आप अगर क्रिकेट के सबसे बड़ा हीरो, परंतु आप भगवान कृष्ण के प्रति कुछ भी भक्ति नहीं की, तो आपका पूरा जीवन पूरा निष्फल हो। और उसका कारण से आपको पशु योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। आज के बड़े बड़े नेता जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, आज के नेता सबके कुत्ते ऐसे होते। बड़े 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 लोग, बड़े बड़े मूर्खों का विचार जो बड़े हैं, तो कैसे बड़े होते? तो बॉलीवुड फिल्म में नाचते हैं। तो ये सब क्या है? एक सरल शब्द है, माया। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य है
ये सब माया से मुक्त होना, और विशेषकर आधुनिक समाज में कलि युग का प्रभाव से भारतीय लोग जिनकी मूल संस्कृति है वैदिक ज्ञान प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति करना, तो वो कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करके बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में बहुत उत्साही है। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है सब दुनिया के लोग को पुनः जागृत करना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य खाली दैहिक सुख या मानसिक सुख प्राप्त करना नहीं। हम सब आत्मा है, हम सब परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण के अंश है, और कि हम सब कृष्ण के अंश है इसका मतलब है कि हमारा मूल धर्म है वो कृष्ण भगवान की भक्ति करना। भगवान का मतलब जो महान है, कृष्ण भगवान सब असंख्य ब्रह्मांडों के मूल सृष्टि करता है और पालक है, पिता है, और हम जो इस भौतिक संसार में हैं हम इस माया से मुक्त हो सकते हैं केवल इस सरल पद्धति से कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण महान है और हम बहुत छोटे हैं, इनके अंश हैं, फिर भी वे महान होते हुए भी हम बहुत तुच्छ होते हुए भी हमारे दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है, और वो संबंध क्या है? सेवियर सेवक भाव। हम सेवक है और कृष्ण सेवियर है। हमारी सेवा कृष्ण भक्ति में कृष्ण के लिए होनी चाहिए। सेवा करना जीवन का उद्देश्य है, धर्म का दूसरा नाम है सेवा। परंतु माया से मोहित होने के कारण हम अपना परिवार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, भूखी लोग की सेवा करते हैं, तो यही सब खराब नहीं है, परंतु मुख्य उत्तम सेवा है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और वो सेवा करना कलि युग में, विशेषकर कलि युग में बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु की दया से हम जो कलि हाथ जीव है, हम जो लंबी आयु वाले नहीं हैं, जो बड़े पंडित होने का अवसर नहीं मिलते, कलि युग के लक्षणों है कि लोग की जीवन आयु बहुत कम होते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है, तो उसका प्रमाण है कि बड़े बड़े शिक्षित लोग भी तो परम सत्य का अनुसंधान नहीं करते, बॉलीवुड क्रिकेट टीवी पैसा कमाने से मोहित रहते। तो हम इस हाल में कलि युग में हमारी स्थिति दुर्भाग्यमय है। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के अवतार है, इनकी कृपा से हरि नाम संकीर्तन के द्वारा हम पूरी भक्ति कर सकते हैं, हम पूरा वैदिक ज्ञान से अवगत हो सकते हैं, हम परम सिद्धि मिल सकते हैं। वो परम सिद्धि क्या है? वो सेवियर सेवक भाव में स्थित होना, अर्थात स्वीकार करना कि
मैं कृष्ण का सनातन दास है, कृष्ण मेरे सनातन प्रभु हूँ। और यदि हम इस प्रकार पूरी भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोऽर्जुनः। भगवद गीता में श्री कृष्ण सब जीव को मुक्ति प्राप्त करने का सरल उपाय प्रदान किया है इस प्रकार कि जो व्यक्ति पूरी तरह जानते हैं कि मैं कृष्ण इस भौतिक संसार में प्रकट होते हुए भी मैं साधारण नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, कृष्ण भगवान है, और उनकी लीला दिव्या है, सब कुछ जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो दिव्या है, उसमें कुछ पाप करने का सवाल नहीं है, भगवान कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो शुद्ध परिशुद्ध है, वे शुद्धता की मूर्ति है। तो जो लोग पूरी तरह समझते कि कृष्ण भगवान है और उनकी लीला चिन्मय है, वे साधारण व्यक्ति है, तो वो केवल यही बात समझने से, ग्रहण करने से, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की दया से इस घर संसार जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुखों अपार है, वो व्यक्ति मुक्त होते हैं, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के धाम जाते हैं और इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं। तो भक्ति वैदिक संस्कृति और वेद विद्या का चरम स्तर है, चरम लक्ष्य है, और कल युग में चैतन्य महाप्रभु की दया से वो भक्ति करना बहुत सरल है। धर्म और भक्ति में तीर्थयात्रा करना है, पुण्य कर्म करना है, यज्ञ करना है, वैदिक शास्त्र का अध्ययन करना है, तपस्या करना है, वैदिक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रथाओं अलग अलग प्रकार के हैं। चैतन्य महाप्रभु की दया से सबसे आसान प्रथा है इस कलयुग में, हरे नामा हरे नामा हरे नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय करने का जरूरत नहीं है, कोई दूसरा उपाय बलवान नहीं है, केवल हरि नाम करना चाहिए, विशेषकर हरि का नाम इस प्रकार जपना और कीर्तन करना चाहिए महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बोलना बहुत बहुत सहज है, इतना सहज है कि कुछ लोग की शंका होती है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से कैसे इतना सफल प्राप्त होते जो यज्ञ तपस्या स्वाध्याय तीर्थयात्रा इत्यादि से नहीं मिलते। तो वो शास्त्र की वाणी है, इसलिए हमें ग्रहण करने चाहिए कि भगवान की अधिक दया प्राप्त होती है उनका नाम कीर्तन करने से, क्योंकि उससे भगवान कृष्ण बहुत प्रीत होते हैं। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रभाव कितने हैं हम समझ सकते हैं कि हमारे परमाराध्य
Sri Gurudev, Srila Prabhupada, Jo Chaitanya Mahaprabhu, ke mukhya pratinidhi is adhunik jamane mein. Bhagavan Krishna ke maha bhagavat, mahan bhakti. Unhone paschatya deshon mein, jinmein Krishna ke bare mein gyan nahi tha, Vedic Sanskriti ke bare mein kuch bhi gyan nahi tha, jismein vyabhicha, pashu hatya, visheshkar go hatya, aur sharab pina, aur sabhi prakar ke vyasan, wohi Sanskriti hai paschatya deshon mein. आशा है कि इस संस्कृति भवन में गो हत्या व्यभिचार इत्यादि वो संस्कृति नहीं चलते, आशा है तो नहीं चलते. संस्कृति वो सब व्यसन के बहुत ऊपर है, परंतु उस परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद इस कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे. कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का बल से, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण से अभिन्न है और इस महामंत्र श्रील प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उसका आसार होते हैं. एकदम पापी लोग के हृदय में भी आशा होते हैं और इस प्रकार पाश्चात्य देशों में भी जो असंभव था कि मैं जैसे नीच कृष्ण भक्ति से दूर वाले लोग तो अभी कृष्ण भक्ति पूरी गंभीरत्व और उत्साह के साथ ग्रहण किया है. तो हरे कृष्ण महामंत्र वो क्या है? भगवान से अभिन्न है और उसमें भगवान की पूरी शक्ति है और वो हरे कृष्ण महामंत्र से हम जीवन के परम लक्ष्य प्राप्त हो सकते. वो परम लक्ष्य क्या है? तो केवल मुक्ति प्राप्त करना नहीं है. चैतन्य महाप्रभु कि अद्भुत वाणी है कि वैदिक शास्त्र का विचार करने से विद्वान जनों समझते कि भौतिक संसार दुग्मय है, इसलिए प्रयास करना चाहिए, साधना करना चाहिए जिससे हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होंगे. परंतु चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि केवल मुक्ति प्राप्त करना वो वैदिक शास्त्र का मुख्य और उत्तम वाणी नहीं है. उत्तम वाणी है कि मुक्ति के ऊपर मुक्ति के परे क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति. कृष्ण प्रेम प्राप्ति उसमें मुक्ति शामिल है, क्योंकि जो पूरा कृष्ण प्रेममय है वो व्यक्ति भौतिक प्रकृति से मुक्त होते. हम इस मायक संसार में बाधित है. उस बंधन का मूल कारण क्या है? अज्ञान. और वो अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि हम नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सनातन सेवक हूँ. तो इस कृष्ण भक्ति का प्रदान है वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान, जिसका सारांश समझना यही हमारा प्रचार है.
वैदिक ज्ञान समझना कठिन नहीं है, बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है, केवल यही वचन समझना चाहिए कि हम आत्मा है, हम ईश्वर नहीं है, हम जन्म जन्मांतर अलग अलग प्रकार की दुखों अनुभव करते हैं अज्ञान का कारण। हम आत्मा है, हमारा स्वभाव सच्चिदानंदमय है, परंतु हम दुख मिलते हैं। ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक हैं, और यदि हम स्वीकार करते हैं हम इनकी सेवा करना, वो सेवा का दूसरा नाम है भक्ति, तो श्री कृष्ण की कृपा से हम मुक्ति मिलेंगे, और मुक्ति के परे भक्ति प्रेम है, कृष्ण प्रेम परम साध्य है। तो ये हमारा प्रचार है, और ये प्रचार तो केवल मानसिक नहीं है, केवल थियोरेटिकल नहीं, व्यवहारिक भी है। इस शुद्ध भक्ति पालन करने के लिए आपको सन्यासी होने का जरूरत नहीं है। हमारे बीच बहुत गृहस्थ भक्त भी है, और ये सब कार्यक्रम गृहस्थ भक्तों से आयोजित है, गृहस्थ है, परंतु शुद्ध भक्ति उनके सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों के साथ करते हैं। शुद्ध भक्ति सब कर सकते हैं, सन्यासी होने का जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्ति में क्या करना है, तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य है उनकी सेवा करना। तो कैसे वो सेवा करने है, तो मुख्य है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। तो हमारा परमाराध्य श्री श्रील प्रभुपाद हमको शास्त्र और पूर्व वैष्णव आचार्यों के निर्देशों के अनुसार हमको एक दैनिक साधना प्रदान किया है कि हम एक माला पर हम हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं। ये माला में 108 दाना है, और हर एक दाना में हम एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं। और इस प्रकार जो इस ईस्कॉन संस्थ में दीक्षित भक्त है, वे प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करते हैं। तो 16 माला हरे कृष्ण मंत्र जप करने, तो देर से दो अधिक 2.5 घंटे लगते, तो कुछ समय निकालना चाहिए साधना करने के लिए। तो वो करना है हरे कृष्ण मंत्र जप, और आरती पूजा करने है, भक्ति प्रचार करना है, और कुछ नियम भी पालन करने चाहिए, क्योंकि संस्कृत होने के लिए, संस्कृति का मतलब संस्कृत होना, शुद्ध होना, कुछ नियम पालन करना चाहिए जिससे हमारा जीवन शुद्ध रहेगा। तो जो इसको मैं दीक्षित भक्त है, वे किसी प्रकार का मांसाहार कभी भी नहीं लेते, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन भी। कुछ वर्षों के पहले शाकाहारी का मतलब था प्याज लहसुन भी नहीं लेना, लेकिन आजकल वो अलाउड हो गया है, और कुछ लोग बोलते तो अंडा वो भी शाका है, और कुछ दिन के बाद शायद लोग कहेंगे कि बीफ वो भी शाका है।
लेकिन वास्तव में शाकाहार की श्रेष्ठ पद है, केवल शाकाहार लेना नहीं, कृष्ण प्रसाद का सेवन करना। वैष्णवों का संकल्प है कि मेरे मुंह में कुछ भी भोजन नहीं दूंगा जो भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं है, जो कृष्ण प्रसाद है। तो वो एक नियम है। और इस प्रकार श्री कृष्ण के भक्तों शुद्ध रहते हैं। और एक दूसरी बात है कि क्योंकि हम दुकान से चिप्स जो मिलते और हॉट लॉरी से फरसान जो मिलते, वो सब चीज़ हम नहीं लेते, हमारे खाद्य बहुत स्वस्थदायक है और स्वच्छ है और उससे वो स्वस्थ का पोषक भी होते। तो हम किसी प्रकार का नशा नहीं लेते। क्या फ़ायदा है सिगरेट पीने से? फायदा है कि कुछ दिन, फायदा है अपोलो हॉस्पिटल के लिए सिर्फ, तो आपके लिए कुछ नहीं है। और नशा हम नहीं लेते और मांसाहार और शुद्ध जीवन पालन करने के लिए तो किसी प्रकार का व्यभिचार हमारे भक्त नहीं करते। गृहस्थ भक्त तो वे जीवन की शुद्धि के लिए जीवन बीतते हैं, इसलिए विवाहित जीवन में भी वो यौन जीवन तो केवल संतान की उत्पत्ति के लिए होने चाहिए। और गैम्बलिंग, जुआ खेलना, लॉटरी, वो सब हमारे भक्त नहीं करते। टीवी भी नहीं देखते, क्रिकेट, वो सब क्या, वो जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वो सब दिक्कत है। तो हम जानते हैं कि सब लोग अचानक कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। आप सब शिक्षित लोग हैं, आप यदि वास्तव में बुद्धिमान है तो यही सब बात जो मैं कहता हूँ मेरे परमाराध्य श्री गुरुदेव के तरफ से, यही सब बात सुन के आप अभी कुछ संकोच नहीं करके, विलंब नहीं करके, आप पूरी कृष्ण भक्ति, इस पूरा शुद्ध जीवन ग्रहण करेंगे। परंतु दुर्भाग्यवशतः सब लोग तो इतना तुरंत अस्वस्थ नहीं है और इतना तुरंत जीवन शैली को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सबको आमंत्रण करते हैं। तो इस कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए, आपके लिए जितने भी संभव हो ग्रहण कीजिए। तो कैसे? तो कम से कम श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है जिसमें पूरी वैदिक विद्या है सरल भाषाओं में। आप प्रतिदिन अध्ययन कीजिए, आप एक जप माला लेके कम से कम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और आपका जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति बनाए। यो यही हमारा निवेदन है। हम स्वयं हमारा जीवन में अनुभव करते हैं तो कैसे इस शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से कैसे हम लाभान्वित हुए, कैसे पहले से हम वास्तविक सुख, आत्म सुख
का अनुभव करते हैं और कैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम कृष्ण की कृपा मिलती है। तो हमारी विनम्र विनंती है कि आप सब इस शुद्ध कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण कीजिए यथाशक्ति, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म श्रेष्ठ रूप से सफल बनाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्नोत्तरी के लिए समय है। ओके। हरे कृष्णा। अभी भक्तिपूर्ण नाटिका प्रदर्शित होगी। हरे कृष्णा।